आपको बराह रास्त ये चलते हैं कि हम राबता कमेटी के रुकन खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन तमाम इलाकों में काम कर रही है बल्कि सिंध भर में और सिंध से निकलकर पाकिस्तान भर में कराची से लेकर कश्मीर तक पूरे पाकिस्तान में खदमत खल्क फाउंडेशन का जाल बिछा हुआ है। खदमत खल्क फाउंडेशन की एम्बुलेंस सर्विस पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खदमत खल्क फाउंडेशन की डिस्पेंसरियां भी मौजूद हैं, उनके ऑफिस भी मौजूद हैं, मैयत गाड़ियां भी खड़ी हैं लाहौर समेत, लाहौर फैसलाबाद मुल्तान गुजरावाला और इसके अलावा कई छोटे शहरों में भी खिदमत खल्क फाउंडेशन की एम्बुलेंसेज वहां मौजूद हैं और बगैर सियासत के वहां पर कायदे तहरीक के विजन के मुताबिक बगैर बिला इम्तियाज रंग नस्ल मजहब मसलक फिरका आम पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए खिदमत खल्क फाउंडेशन उसने अपने दायरेकार को पूरे पाकिस्तान में फैलाया हुआ है। और आप सब जानते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जब जो मौका मिला है खिदमत खल्क फाउंडेशन ने मुल्क से बाहर भी चाहे वो सुनामी के वक्त हो या फिर ईरान में जलजले का मामला हो, अफगानिस्तान में मुख्तलिफ साने हाथ हो, खिदमत खल्क फाउंडेशन ने वहां जाके भी काम किया। और आज की तकरीर भी जैसे मैंने कहा कि उसी की एक कड़ी है। और एनक्यूएम के हजारों कारकुनान और खिदमत खल्क फाउंडेशन के रजाकार इस वक्त पंजाब में जो सैलाब से तबाहकारियां हुई हैं उसमें रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, रिलीफ का काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कराची के इस इलाके में इस सहूलत के बाद हम यहां पर अपना डिस्पेंसरी का भी एक सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे पास आज इस हमें डीआरसी ने हमसे कहा था कि यहां पर वो एक डिस्पेंसरी भी कायम करना चाहती है, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला खिदमत खल्क फाउंडेशन का ताउन उनको हासिल रहेगा। और इसी तरह कायदे तहरीक ने इसी जगह के लिए दो एम्बुलेंसेस के साथ साथ इंशाल्लाह थोड़े ही दिन में एक मैयत बस भी आपको डोनेट कर दी जाएगी खिदमत खल्क फाउंडेशन की जानिब से। एमकेएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अब से कुछ देर पहले कराची में गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई सिंध में उनके साथ मिलकर यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मिलकर अच्छे काम करे तो जरूर इस बात का खैर मकदम किया जाएगा। उन्होंने कहा परवेज रशीद से जानना चाहेंगे, उन्होंने सवाल किया है कि मुकमुका क्यों लगा, उन्होंने सवाल उठाए हैं कई। एमक्यूएम के रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अब से कुछ देर पहले बात की है, कुछ सवाल उठाए हैं। जो अहम बातें उन्होंने की हैं वो हम आपको बता रहे हैं इस सिलसिले में। उन्होंने कहा कि अगर कोई सूबा सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहे, अच्छा काम करना चाहे, तो उसे क्यों नहीं खैर मकदम किया जाएगा, उसका वेलकम क्यों नहीं किया जाएगा। जो इस सूबे में अच्छा काम करने के लिए आगे आएगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसके साथ काम जरूर करेगी। ऐसे में उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि आखिर ये मुखमुखे की बात क्यों की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कराची जागा हुआ है और हम उसे जगाना भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि कराची जाग रहा है, कराची कोई सोया हुआ शहर नहीं है और जागते हुए कराची को अगर जगाने का काम होगा तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बखूबी ऐसा करना जानती है। अगर कराची को जगाना है तो कराची तो जाग रहा है और इसको कैसे जगाना है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो जमात है कि जो ये काम जानती है। उन्होंने ये कराची के बारे में कहा और सिंध के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए आए उसे वेलकम करेगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट।
के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि परवेज रशीद बताएं कि उन्हें कैसे पता चला कि MQM और तहरीक इंसाफ का मुकमुका हुआ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि इमरान खान सिंध की आवाम को जगाना चाहते तो ये उनका हक है। अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद वज़ीर इत्तला'आत ने कहा था कि ये जलसा MQM के साथ मुकमुके कैसे हुआ है, और अब जवाब दे रहे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी। का ये कहना है, परवेज रशीद बताएं उन्हें कैसे पता चला कि MQM और तहरीक इंसाफ का मुकमुका हुआ है। अगर इमरान खान सिंध की आवाम को जगाना चाहते हैं तो ये उनका हक है। राबिता कमेटी MQM के डिप्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक तकरीब से खिताब में कहा है कि कराची जागा हुआ भी है और हम उसे जगाना भी जानते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि परवेज रशीद बताएं उन्हें कैसे पता चला कि MQM और तहरीक इंसाफ का मुकमुका हुआ है। इमरान खान सिंध के अवाम को जगाना चाहते हैं तो ये उनका हक है, लेकिन कराची जागा हुआ है और हम इसे जगाना भी जानते हैं।